ओके जी, रिडक्स टूल किट क्यूरी, जैसे मैंने अभी अफजल ने आपको बताया कि हमने डेटा फेच करने की अभी तक दो तरीके पढ़े हैं, तीन तरीके पढ़े हैं। पहला तरीका यूज इफेक्ट में मैनुअल तरीका पढ़ा है, एब्सोल्युटली मैनुअल तरीका, नो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इन्वॉल्व, रिएक्ट की यूज इफेक्ट की हुक। लेकिन उसमें परफॉर्मेंस हेडेक्स आ सकते हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, उनको नहीं पता कैशिंग को कैसे हैंडल करना है, उनको नहीं पता यूज इफेक्ट क्लीनअप्स कैसे लिखने हैं। यूज इफेक्ट अगर आप लिखते हैं तो क्लीन अप भी एक चीज़ होती है जो आपको करनी होती है, अदरवाइज आपका कंपोनेंट जो है वो मतलब परफॉर्मेंस लैक्स आ सकते हैं। तो पहला तरीका हमने डेटा फेचिंग का पढ़ा है, यूज इफेक्ट का एब्सोल्युटली सब कुछ मैनुअल, लोकल स्टेट डिक्लेयर करें, यूज इफेक्ट में जाके रिक्वेस्ट भेजें सर्वर को, सर्वर डाटा लेके आएगा, लोकल स्टेट पर लोड करें, उसे रेंडर कर दें। दूसरा तरीका डाटा फेचिंग का हमने पढ़ा है रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6, हम लोडर प्रॉप के जरिए हमें वो फैसिलिटी देता है और उसमें वो कैशिंग वैशिंग और कुछ हद तक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करके देता है और हमसे बहुत सारी चीज़ें खुद ले लेता है, वो खुद हैंडल करता है। तीसरा तरीका हमने पढ़ा जी कि रिडक्स हमें ये फैसिलिटी देता है, रिडक्स टूल किट विद रिडक्स ठंक। तो रिडक्स ठंक किस लिए हमने इंट्रोड्यूस कराया था, ए सिंक्रोनस कॉल्स सर्वर को भेजनी है या नेटवर्क की कॉल भेजनी है तो वो लॉजिक आप कहाँ लिखेंगे, ठंक में लिखेंगे, और फिर ठंक फंक्शन आपको तीन पॉसिबल स्टेट्स देता है प्रॉमिस की, या फुलफिल्ड या रिजेक्टेड या पेंडिंग। तो आपने उन तीनों स्टेट्स को हैंडल करके या उन तीनों स्टेट्स को गेट करके सारी लॉजिक फिर भी मैनुअल लिखनी है। लेकिन यानी रिडक्स टूल किट विद थंग इसने काफ़ी सारा काम आसान कर दिया, लेकिन स्टिल देर आर मैनुअल स्टेप्स दैट वी हैव टू परफॉर्म, और उन मैनुअल स्टेप्स की वजह से हम गलतियां भी कर सकते हैं और फिर परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। फिर रिडक्स वाले ने सोचा यार ये तो बड़ा कॉमन मैकेनिज्म है और ये एक टोटली सेपरेट कंसर्न है, डेटा फेचिंग या मेकिंग नेटवर्क कॉल्स इज अ सेपरेट कंसर्न देन दैट ऑफ अ स्टेट मैनेजमेंट। पहले इन्होंने दोनों को मिक्सअप किया हुआ था, अब इन्होंने फील किया है लास्ट लेटेस्ट में कि जी डेटा फेचिंग इज अ सेपरेट कंसर्न, स्टेट मैनेजमेंट इज अ सेपरेट कंसर्न। डेटा फेचिंग का मतलब है गोइंग आउटसाइड एंड ब्रिंगिंग इन द डेटा, वंस वी हैव ब्रॉट द डेटा इन टू आर एप्लीकेशन देन वी हैव टू फीड इट टू आर स्टेट एंड देन वी हैव टू एक्चुअली परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स। तो इन्होंने अब क्या कर दिया, डेटा फेचिंग को सेपरेट कर दिया है और स्टेट मैनेजमेंट को सेपरेट कर दिया, लेकिन ऐसे स्मार्ट वे में किया है कि हमें पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ हो जाएगा अंदरूनी खाना। ठीक है, तो अब जरा यहाँ डेटा फेचिंग आरटीके क्यूरी, आरटीके क्यूरी कोई एडिशनल लाइब्रेरी नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी रिडक्स टूल किट इंस्टॉल की हुई है तो रिडक्स टूल के पार्ट ही है आरटीके क्यूरी। ठीक, तो अगर आप रिडक्स क्रिएट एसिंक थंक यूज नहीं करना चाहते तो हम ये यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, इट्स अ पावरफुल डेटा फेचिंग एंड कैशिंग टूल। सबसे पहले आपसे को पूछे जी आरटीके क्यूरी क्यों, तो इसका एज क्या है, डेटा फेचिंग और कैशिंग, तो इसका मतलब है इसने कहीं ये जिक्र नहीं है कि आरटीके क्यूरी स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट स्टिल इज अ जॉब ऑफ अ रिडक्स। ठीक है, तो ये आरटीके क्यूरी बेसिकली डेटा फेचिंग और कैशिंग, और कैशिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सर्वर एंड कीप ब्रिंगिंग द सेम कॉपी ऑफ डेटा दैट मे टेक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कॉल्स टू द नेटवर्क, तो ये इस काम को क्या कर देती है, इलिमिनेट कर देती है, और ये कैशिंग को सारा कुछ इंटरनली हैंडल करती है। एनीवेज, इट इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई कॉमन केसेस फॉर लोडिंग डेटा, इलिमिनेटिंग द हैंड राइट डेटा फेचिंग एंड कैशिंग लॉजिक योरसेल्फ, इलिमिनेटिंग द नीड ऑफ हैंड राइट डेटा फेचिंग एंड कैशिंग, जो हम मैनुअल काम करते रहे हैं। ठीक है, इज एन ऑप्शनल एड ऑन इंक्लूडेड इन टू द रिडक्स टूलकिट पैकेज एंड इट इज फंक्शनलिटी इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर एपीआई रिडक्स टूलकिट, यानी ये इट हैज बीन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ रिडक्स टूलकिट और ये एक ऑप्शनल एड ऑन है, इसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना चाहें तो नॉर्मल खुद ही सारा कुछ मैनुअली कर लें जो रिडक्स टूल किट में हम कल कर चुके हैं। एनीवेज, सो ये इसकी सारी मोटिवेशन, आई होप आप पढ़ लेंगे, अगर मैं सारा कुछ पढ़ना शुरू कर दूं तो फिर मेरा कहानियों में ही सारा टाइम गुजर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स हैं, ट्रैकिंग लोडिंग स्टेट इन ऑर्डर टू शो यूआई स्पिनर, यानी ये लोडिंग स्टेट भी खुद ही ट्रैक करता है। अवॉइडिंग डुप्लीकेट रिक्वेस्ट टू द सेम डेटा, जो मैंने कहा जी कि एक ही टाइप के डेटा को बार बार सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजना दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच, तो ये खुद ही उसकी उसको मिनिमाइज करता है। ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स टू मेक यू आई फील फास्टर, ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स का आपको ये पता लगेगा थोड़ी देर में। मैनेजिंग कैशे लाइफ टाइम एज द यूजर इंटरेक्ट्स विद द यूआई, कैशे को वैलिडेट और इनवैलिडेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है और नया प्रोडक्ट ऐड होने के बाद जो यूआई पे डाटा शो होना चाहिए वो उस प्रोडक्ट समेत शो होना चाहिए ना, अपडेटेड डाटा शो होना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने डाटा अपलोड कर दिया है और जो फ्रंट एंड पे डाटा शो हो रहा है वो कैशे से शो हो रहा है, उसमें अपडेटेड प्रोडक्ट आया ही नहीं है। तो आप इस केस में जब आप प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे या ऐड करेंगे तो फिर आप कैशे को इनवैलिडेट भी कर सकते हैं। तो कैशे हर केस में यूज़फुल नहीं है, कैशे सिर्फ डाटा फेचिंग के केस में यूज़फुल है। लेकिन अगर आपने कोई डाटा आइटम ऐड किया है और वापस लिस्ट में आके नया प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि आपको पुरानी लिस्ट नज़र आए, दो जो नए प्रोडक्ट्स हैं
वो ऐड ही नहीं किए क्योंकि वो सर्वर पे पड़े हुए हैं और आपका डाटा कहाँ से लोड हो रहा है, कैशे से लोड। तो कैशे को वैलिडेट और इनवैलिडेट भी किया जा सकता है, मैकेनिज्म ज़्यादा ऑलवेज अवेलेबल एंड देयर। ओके जी, बहुत सारी कहानी है, आप इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीख भी लेंगे, काफ़ी कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो मुझे देख के काफ़ी कुछ सीख जाएंगे जो मैं इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आरटीके को शामिल या यूज़ करने के लिए उसने कहा जी कि अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि हम आरटीके क्यूरी को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका तरीका वो नॉर्मल तरीका नहीं रहेगा जो पुराना तरीका है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्रिएट स्लाइस के बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्रिएट एपीआई। ये कहाँ है मेंशन, रिडक्स टूल किट, यहाँ तक हम पहले करते थे, तो अब हम साथ में क्या कर लेंगे, क्वेरी कर लेंगे, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग इट इन हेयर और मैं अपनी ऐप को स्टार्ट कर दूँ और उसमें आपको इनिशियल सेटअप करके मैं एक नया फीचर बनाऊंगा, बेशक प्रोडक्ट्स का ही फीचर बनाऊंगा, लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग है उसको अनटच रखूंगा और इसमें आपको इस नए तरीके से डेटा फेच करके स्टेट में पॉपुलेट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहां पे ये मेरा नॉर्मल प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट स्लाइस है, तो इसको नई फाइल बना के मैं क्या कह लूँगा, प्रोडक्ट एपीआई डॉट जेएस। नाम आप अपनी चॉइस से दे सकते हैं, मैंने चूंकि क्रिएट एपीआई फंक्शन यूज़ करना है तो मैंने उसी से इंस्पिरेशन लिया जी कि मैं यही यूज़ करूँगा। यहाँ मैंने वही फंक्शन जो बिल्कुल कॉपी किया है उसको यहाँ पे ले आएंगे और मैं यहाँ पे लिखूँगा जी npm रन डेव, जितनी देर में ये स्टार्ट होता हम अपना ये काम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद मैं जाऊंगा और अच्छा भैया कह रहे जी कि रिएक्ट स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट दैट ऑटोमेटिकली जनरेट्स हुक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू द डिफाइंड एंड पॉइंट इज। नॉर्मली वे कहते हैं कि रिएक्ट स्पेसिफिक के लिए ये है क्यूरी स्लैश रिएक्ट, लेकिन मैंने अपने लास्ट बैच में ये वाला एंड पॉइंट या ये वाला इंपोर्ट किया था तो मुझे एरर्स आ रहे थे, तो मैंने फिर मजबूरन रिएक्ट को रिमूव किया तो वो हमारा ठीक काम कर रहा था। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमारा इसके साथ एरर आया तो हम साथ में एंड पे क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। बट दिस इज समथिंग दैट आई फेस्ड एन एरर इन द लास्ट बैच, सो दैट्स व्हाई। और उस बैच में हम काफ़ी खपे थे, तकरीबन पूरी क्लास ज़ाया कर दी थी कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, क्यों नहीं चल रही हमारी आरटीके क्यूरी। और एंड पे जाके हमने उस पर स्टैक ओवरफ्लो पे देखा तो उन्होंने एक ने सजेशन दी हुई थी ये रिमूव कर दें या ऐड कर दें, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ये पहले से बता रहा हूँ आप वार्न करिए वार्निंग के लिए कि हम पूरी क्लास ना जाया करें। एनीवेज वो कह रहे जी आरटीके क्यूरी इंक्लूड्स दीज एपीआईज, क्रिएट एपीआई है, फेच बेस क्यूरी है, एपीआई प्रोवाइडर और ये वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसने खुद यूज़ करके दिया होगा, बजाय इसके कि हम उस कहानी को पढ़ते रहें, हमने सबसे पहले करना है वही चीज़ कि जैसे हम क्रिएट स्लाइस यूज़ करते थे ना, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट एपीआई इक्वल्स टू, ये बिल्ट इन फंक्शन है और इस बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करना है क्रिएट एपीआई। ये बिल्ट इन फंक्शन एक ऑब्जेक्ट लेता है एज यूजुअल, जैसे क्रिएट स्लाइस ने भी एक ऑब्जेक्ट लिया था। इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी है रिड्यूसर पाथ, दूसरी प्रॉपर्टी है बेस क्यूरी और तीसरी प्रॉपर्टी है एंड पॉइंट्स। सिंपल है याद रखने के लिए, क्रिएट एपीआई के फंक्शन है, क्रिएट एपीआई फंक्शन तीन प्रॉपर्टी लेता है। इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेता हूं, रिड्यूसर पाथ, दूसरी प्रॉपर्टी है मेरी बेस क्यूरी, और आपको पता है कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता होगा तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हमें पहले से डिफाइंड होती हैं हमें, और एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट होने के लिए कॉमन लेती है, और ये सेकंड है, मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग स्ट्रिंग कर देता हूं, बाद में वापस आऊंगा वैल्यूज को फीड करने के लिए, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है जी एंड पॉइंट्स। सो मैंने ये कर दिया जी एंड पॉइंट्स दिस वन, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो क्रिएट एपीआई का एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। अब ये जो रिड्यूसर पाथ है इसमें अगेन आप कोई भी पाथ दे सकते हैं, मैं ये पाथ यानी इसी पाथ से हम जाके इसे स्टोर में रेफर करेंगे या कॉल करेंगे याद करेंगे, कोई भी पाथ अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसे वही नाम दे दिया जी प्रोडक्ट एपीआई का, और वापस आए यहाँ पे तो इसने वो एक पोकमैन एपीआई जो भी इसने नाम दिया अपनी इस मर्जी का, उसके बाद बजाय इसके कि हम बाद में भूल जाएं इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि जाहिर है हमें इसे कहीं ना कहीं यूज़ करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट एपीआई। दूसरी चीज़ ये फेच बेस क्यूरी का बिल्ट इन फंक्शन, ये बेस क्यूरी के अंदर यानी बेस क्यूरी की प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू में एक फंक्शन लेती है और वो फंक्शन भी बिल्ट इन है विच इज़ कॉल्ड एज फेच बेस क्वेरी। तो आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड पेस्टिंग इट, सो नो वरीज, ये आप भी इसको इसके फ्लो को समझिएगा।
सो मुझे फेच बेस क्यूरी के फंक्शन फिर क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या लेता है, एक प्रॉपर्टी बेस यू आर एल। अच्छा, बेस यू आर एल का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारी बेस यू आर एल है www.something.com, ये हमारी बेस यू आर एल है। इसके आगे जो भी है वो क्या हो रहा होता है, पाथ बिल्ड हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा था firststep.com/collection/name of the collection or /product/name of the product। तो ये जो फर्स्ट, अगर मैं दिखा सकूं, कल हमने इस पे जिक्र किया था फर्स्ट स्टेप को, कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं या हम अपनी फेक स्टोर एपीआई को ले सकते हैं। तो ये जो है ना, इसको बेस पाथ कहते हैं, बेस यूआरएल कहते हैं, या रूट यूआरएल कहते हैं, नाम कोई भी हो सकता है, बेस यूआरएल, रूट यूआरएल, बेस पाथ वगैरह वगैरह। इसके आगे जो कुछ भी लिखा होता है वो पाथ होता है, पाथ टू द स्पेसिफिक रिसोर्स। और रिसोर्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ यूजर्स, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, ये सारे के सारे क्या है हमारे, यानी जिस भी एंटिटी के बारे में हमने डाटा स्टोर किया हुआ है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक रिसोर्स बोल सकते हैं। तो किसी भी रिसोर्स तक पहुंचने के लिए यूआरएल पूरा क्या मांगता है, पाथ मांगता है, समझ आई बात। तो हमने नेट की स्पीड हमारी क्या हो जाती है, एनीवेज जब तक ये होता, तो मैंने ये fakestoreapi.com ये देख लो। अब ये जो पूरा है ना, इसमें से अगर आप सिर्फ ये उठा लें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बेस यू आर एल, ठीक है। सो मैं यहां से उठा के बेस यू आर एल को यहां पे देता हूं, दैट्स इट, ठीक। अब मुझे इस बेस यू आर एल पे कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं मैं, अब ये आपको पता है ना, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकता हूं नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, इस पे गेट रिक्वेस्ट भेज सकता हूं लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स लेने के लिए, इस पे पुट रिक्वेस्ट भेज सकता हूं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए, इस पे डिलीट रिक्वेस्ट भेज सकता हूं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए, और इस पे पैच रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूं एक प्रोडक्ट की पार्शियल अपडेशन के लिए, समझ आ गई बात। और गेट की दो रिक्वेस्ट हम करते हैं नॉर्मली, एक गेट ऑल प्रोडक्ट्स और एक गेट सिंगल प्रोडक्ट। तो बेस यू आर एल बेसिकली आपके पास होनी चाहिए। बेस यू आर एल के बाद अगला जो चीज है वो क्या है, पाथ है, वो आगे जाके हम मेंशन करेंगे इसी से निचले स्टेप में, एंड पॉइंट्स में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बेस पाथ और जो एंड पॉइंट हम स्पेसिफाई करेंगे वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, और हमारे पास पूरी यू आर एल बिल्ड हो जाएगी। बहरहाल दिस इज द सिंटैक्स। रिड्यूसर पाथ में हमने कोई भी पाथ का नेम देना है, बेस क्यूरी में हमने फेच बेस क्यूरी और बेस यू आर एल का एक ऑब्जेक्ट पास करके उसमें बेस यू आर एल, यहां वो बेस यू आर एल आएगी जिस भी सर्वर से आप डाटा फेच करना चाह रहे हैं। तो अभी हमारी अपनी एपीआई नहीं है तो हम किस एपीआई से डाटा फेच करने जा रहे हैं, फेक स्टोर से। जब हमारी अपनी एपीआई आएगी तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, अपने बेस यूआरएल से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे आप जाएंगे तो एंड पॉइंट पे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि सारी कहानी इधर होनी है हमारी जो कस्टम लॉजिक है। ये लेगा आपसे फिर एक कॉल बैक फंक्शन, और आपको पता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में अगर फंक्शन लिखते हैं तो वो या तो एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं, फैट एरो फंक्शन लिखते हैं, या फंक्शन के कीवर्ड के साथ एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं। ये बात है, ये जो फंक्शन है एंड पॉइंट का, ये एक आर्गुमेंट रिसीव करता है डिफॉल्ट, खुद ही आरटी के क्वेरी इसमें वो एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करती है जिसको हम नॉर्मली बिल्डर के नाम से रिसीव कर लेते हैं। अगेन वेरिएबल्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इट्स अ कन्वेंशन के इसको क्या कहा जाता है, बिल्डर कहा जाता है। क्या चीज, वो कर लेंगे, वो एरर देगा ना, जाहिर अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो एरर देगा, एरर देगा तो हम कर लेंगे को मसला, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल सिंटैक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये बेसिकली आपको क्या देगा, एक बिल्डर देगा, और नॉर्मली आपको पता है कि अगर आप यहां पे कॉल बैक फंक्शन में ये नहीं देते तो यहां जो कुछ भी लिखते हैं इसका मतलब डिफॉल्ट रिटर्न होता है, आपको पता है। और अगर आप ये देते हैं तो इसका मतलब आपको मैनुअली रिटर्न लिखना पड़ेगा। एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि अगर आप रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहे और आप इसकी बॉडी में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आप इसे राउंड कर लें, इस तरह कर लें, समझ आई बात। और अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो मैनुअली रिटर्न लिख लें अंदर जाके, ये तरीका मेरे ख्याल में पहली दफ़ा बताया मैंने, अगर पता था दैट्स गुड, क्योंकि JSX में ये तरीका फॉलो हो रहा होता है।
मैप पे क्या लगाते हैं, मतलब अगर अगर आपने ऑलरेडी यूज किया तो दैट्स ओके, मतलब अगर नहीं यूज किया तो दैट्स समथिंग, ये इसने यूज किया हुआ तो आई थॉट आई शुड एक्सप्लेन इट, ये इसने राउंड ब्रैकेट यूज किया हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर हमने करना है जी अपने, यानी देने हैं अपनी जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज। अब हमें बेसिकली इस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर एपीआई है इस पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, क्या गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, पूरे हो गए, पोस्ट प्रोडक्ट यानी ऐड प्रोडक्ट, ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट ऑल और गेट सिंगल। तो हम वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो यहां पे लिखेंगे, अपनी मर्जी के नाम देंगे उनको प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये लेगा हमारा एक कॉल बैक फंक्शन। अब चूंकि मैंने आपको शुरू में ये कहा हुआ था, बल्कि कॉल बैक फंक्शन नहीं लेगा ये, बिल्डर डॉट क्यूरी लेगा, यस। जब जावास्क्रिप्ट समझा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देख रहे हैं जिधर जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो आप यहां पे जितने भी फंक्शन जो है वो लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनकी वैल्यूज में ये जो बिल्डर है, अच्छा ये जो बिल्डर हमें प्रोवाइड करेगा ना आरटीके क्यूरी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब जब बिल्डर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज और मेथड हो सकते हैं। इस बिल्डर के अंदर दो प्रॉपर्टीज या दो मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है बिल्डर डॉट क्वेरी और एक है बिल्डर डॉट म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है क्या, मतलब होता है चेंज, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है चेंज, और क्वेरी का मतलब क्या होता है टू क्यूरी करना, डेटा को फेच करना, मतलब ये समझ लें। तो म्यूटेशन का मतलब चेंज होता है, तो मुझे बताएं कि यहां पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स के लिए बिल्डर डॉट क्यूरी होना चाहिए, बिल्डर डॉट म्यूटेशन होना चाहिए, वैसे तुक्का लगाएं क्यूरी होना चाहिए, क्यों, वी आर गोइंग टू क्यूरी द डेटा फ्रॉम द सर्वर। अगर मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करूं और उसके लिए मैं फंक्शन लिखूं ऐड न्यू प्रोडक्ट, तो उसके आगे बिल्डर डॉट क्यूरी होना चाहिए, बिल्डर डॉट म्यूटेशन होनी चाहिए, म्यूटेशन होनी चाहिए। अगर मैं कहूं अपडेट प्रोडक्ट तो बिल्डर डॉट क्यूरी होनी चाहिए, म्यूटेशन होनी चाहिए। अगर मैं कहूं डिलीट तो म्यूटेशन होनी चाहिए या म्यूटेशन होनी चाहिए, समझ आ गई बात। तो बिल्डर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक बिल्डर डॉट क्यूरी, जब भी आपको सर्वर से डेटा फेच करना है तो आप क्या लिखेंगे बिल्डर डॉट क्यूरी, जब भी सर्वर पे कोई डेटा चेंज करना है, देखें ऐड न्यू प्रोडक्ट टू द सर्वर, तो सर्वर में क्या हो गया चेंज हो गया, तो चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन है, म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट में वैसे ही पढ़ा है। और अगर आप सर्वर से डेटा कैरी क्यूरी करना है तो फिर हमेशा क्या करेंगे बिल्डर डॉट क्यूरी करेंगे, समझ आ गई बात। तो मैं यहां पे लिखूंगा बिल्डर डॉट, ये याद रखना है कि जो बिल्डर हमें मिलता है उस बिल्डर में ये दो फंक्शंस होते हैं, बिल्डर डॉट क्यूरी और बिल्डर डॉट म्यूटेशन। तो अभी मैं क्यूरी कर रहा हूं, तो बिल्डर डॉट क्यूरी का मुझे फंक्शन मिला है और इस क्यूरी के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, एग्जिस्ट मेथड से हमने आपने बिल्कुल किया होगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अभी सारे ऑपरेशन पूरे क्रड इसी में एक में हो जाएंगे, दो मिनट सबर करें, मजा ना आया तो पैसे वापस। इट्स वेरी सिंप्लीफाइड, ऑल द लॉजिक वुड गेट सेंटर्ड या सेंट्रलाइज्ड, सजे खबे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये आपको अल्टीमेटली हुक्स एक्सपोज करेगा, जिस तरह नॉर्मल रिडक्स टूल किट ने आपको एक्शंस एक्सपोज किए थे ना, उसने आपको क्या दिए थे, एक्शंस दिए थे, और आपने जहां से कॉल करना था उन एक्शंस को जाके क्या कर दिया था, डिस्पैच कर दिया था। ये भी आपको क्या एक्सपोज करेगा, हुक्स दे देगा, बना के हुक्स दे देगा, आपने उन हुक्स को जाके क्या करना होगा, कॉल करना होगा। जहां से भी डेटा ऐड करना है हुक कॉल कर लें, जहां भी डेटा अपडेट करना है इसकी दी हुई हुक कॉल कर लें, जहां भी डेटा डिलीट करना है इसकी दी हुई हुक कॉल कर लें, जहां भी डेटा को फेच करना है इसकी दी हुई हुक कॉल कर लें, भाईजान सब कुछ खत्म, ठीक है। लेट्स सी अ लिटिल वेट, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम लिखते हैं ना एंड पॉइंट्स क्रिएट एपीआई के फंक्शन में, एंड पॉइंट बाय डिफॉल्ट आरटीके क्यूरी हमें उसमें एक बिल्डर का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। उस बिल्डर के ऑब्जेक्ट के ऊपर दो मेथड्स अवेलेबल होते हैं, एक बिल्डर डॉट क्यूरी होता है, एक बिल्डर डॉट म्यूटेशन होता है। क्यूरी होता है सर्वर से डेटा फेच करने के लिए और म्यूटेशन होता है सर्वर पर डेटा चेंज करने के लिए। चेंज करने की तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या आप ऐड करेंगे, या आप डिलीट करेंगे, या आप
अपडेट करेंगे, फेच करने की दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आप गेट ऑल करेंगे या आप गेट सिंगल करेंगे, ये सारे केस सिनेरियो क्लियर होगी। अब जब हम बिल्डर डॉट क्यूरी करेंगे तो बिल्डर डॉट क्यूरी एक मेथड है, ये मेथड फिर एक ऑब्जेक्ट लेगा और इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होगी क्यूरी। मेक सेंस, यहां तक क्लियर होगी बात। अब आप जाके यहां पे देखें, ये क्यूरी फिर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, बस आखिरी है, आई कैन अंडरस्टैंड के क्वेरी और ये एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक। और ये कॉल बैक फंक्शन में हमें क्या करेगा, बस यहां पे हमने अपना एंड पॉइंट देना है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर देगा, ठीक है। यानी हम अगर सिंगल लाइन रिटर्न है तो हम यहां पे क्या कर देंगे, सिंगल कोट, और सिंगल कोट में बेस यूआरएल ये यहीं से लेगा और जो एंड पॉइंट या पाथ है वो आप यहां देंगे। तो हमारा पाथ क्या है, स्लैश प्रोडक्ट्स है ना, आप यहां पे सिंपली कर दें प्रो डी यू सी टी एस, बस दैट्स इट। तो ये ऑटोमेटिकली रन टाइम पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो बेस यूआरएल यहां से उठाएगा, एंड पॉइंट यहां से उठाएगा, इन दोनों को एम्बेड करके नेटवर्क पे कॉल करके बाकी सारा काम अंदरूने खाना करके हमें एक हुक एक्सपोज कर देगा। कैसे करेगा जरा देखते हैं। ये एक फ्लो कंप्लीट हो गया एक ऑपरेशन का, क्या, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक। अब ये हमें देगा क्या, यानी जाहिर है ये जब ये एक फंक्शन है ना, तो आपको पता है फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करता है ना, तो वो रिटर्न करके हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसको हम ऑलरेडी एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये जो हमें रिटर्न करेगा वो भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, यानी जाहिर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज होंगी और उन प्रॉपर्टीज में क्या क्या पड़ा हुआ है, कैसे ये एक्सपोज करेगा। कैन यू सी दिस, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दूँ डिस्ट्रक्चर, जाहिर है ये ऑब्जेक्ट है तो इसको डिस्ट्रक्चर करके यहाँ भी ले सकता हूँ, या फिर मैं नीचे आऊँ और ये एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या एक्सपोज करेगा उसको मैं लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रक्चर करूँ। नॉर्मल सेंटेंस सेंटेक्स जावास्क्रिप्ट का, कि दिस होल क्रिएट एपीआई फंक्शन टेक्स इन द कन्फिग्रेशन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स अनदर ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में ये क्या रिटर्न करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मजे की बात है। जो भी आप एंड पॉइंट देंगे ना यहां पे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इसको कॉपी करें और इसको यहां लिख दें और इसके शुरू में लिख दें यूज, यानी जो भी आप एंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे क्रिएट एपीआई, उस एंड पॉइंट की ये जो प्रॉपर्टी है एंड पॉइंट के अंदर, उसकी एक हुक बना के आपको दे देगा, और हुक के लिए कन्वेंशन है कि शुरू में क्या लगाएगा, यूज लगाएगा। तो अब आपकी हुक क्या बन गई, यूज गेट ऑल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट्स होना चाहिए, बिकॉज प्लूरल, नेमिंग कन्वेंशन पे थोड़ा सा आप कंसर्न होइएगा। तो जो कुछ आप यहां लिखेंगे क्रिएट एपीआई का फंक्शन इस चीज को पकड़ेगा और इसी नाम की हुक बना के आपको क्या दे देगा, वापस रिटर्न कर देगा। हमने क्या लिखा, यूज गेट ऑल प्रोडक्ट, तो ये गेट जी कैपिटल इसलिए लिखा कि फंक्शन की कन्वेंशन को वो फॉलो करता है, तो अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम कन्वेंशन को वायलेट करेंगे तो फिर ये चलेगा ही नहीं मे बी। तो यूज गेट ऑल प्रोडक्ट, दैट्स इट। हुण जितने भी डाटा चाहिए ना, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये जाहिर है इसको आप एक्सपोर्ट भी करेंगे, और एक्सपोर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जहां भी आपको डाटा फेच करना होगा वहां आप इस हुक को कॉल करेंगे, दैट्स इट। और हुक को कॉल करने का तरीका किसको नहीं आता, क्योंकि यूज सेलेक्टर हुक आपने कॉल की है, सेम तरीका, यूज डिस्पैच हुक आपने कॉल की है, सेम तरीका, यूज इफेक्ट हुक आपने कॉल की है, सेम तरीका, यूज स्टेट हुक आपने कॉल की है, सेम तरीका, यूज पैरम्स हुक आपने कॉल की है, सेम तरीका। तो कोई ऐसी हुक अभी तक गुजरी है जिसका तरीका डिफरेंट हो कॉल करने का, तो इसको जब कॉल, सॉरी, यस, तो अभी मुझे बताएं कि इसमें हम कोई पैरामीटर ले रहे हैं, यहां पे कोई पैरामीटर हमने ले रहे ना, जैसे ये ले रहा है, ये देखें क्यूरी के अंदर ये ले रहा है ना पैरामीटर नेम, तो हम ये ले रहे हैं यहां पे कोई नहीं ले रहे ना, तो इसका मतलब है जब ये हुक कॉल होगी तो ये कोई पैरामीटर नहीं लेगी। अब मैं दूसरा एंड पॉइंट बनाता हूं, बना के दिखा देता हूं, गेट प्रोडक्ट बाय, तो गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, तो आईडी कहां से आएगी, रन टाइम पे यूजर पास करेगा ना, तो वो यूजर जो पास करेगा वो कहां से आएगी, वो कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, और उसको आप कहां पास करेंगे, आईडी के लिए एंड पॉइंट क्या है पता ना आपको, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश आईडी, यहां पे कर दें,
अब जब ये वाली हुक, ये वाली हुक भी एक्सपोज कर देगा, कितना सिंपल है यार। अब जब ये फंक्शन कहीं से कॉल होगा ना, तो इस हुक को कॉल करते वक्त बीच में क्या क्या पास करेंगे आप, पैरामीटर पास करेंगे, वो पैरामीटर यहां आके इधर रिसीव होगा और यही पैरामीटर यहां आके एंड पॉइंट पे पास हो जाए। तो ये क्यूरी ठीक है, बिल्डर डॉट क्यूरी, कोई गलती तो नहीं है ना, म्यूटेशन नहीं होगा यहां पे, नहीं होगा, क्यूरी होगा, क्यों, वी आर ब्रिंगिंग इन द डेटा, हम डेटा सर्वर से फेच कर रहे हैं। तो अब आगे बाकी सारे क्या होंगे, म्यूटेशन होंगे, ठीक है। तो जब म्यूटेशन होंगे तो म्यूटेशन के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन या कुछ चीजें भी चेंज हो जाएंगी, लेट्स सी दैट, बट लेट्स सी इट इन एक्शन फर्स्ट कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो अब मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ वो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा हूँ, उसको मैं छेड़ूंगा तो सारा कुछ ब्रेक हो जाएगा। तो एक ना कर ले, मैं नया कंपोनेंट बना के उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स रेंडर कर दूँ, ताकि वो जो प्रीवियस चीज़ है वो हमें एरर ना फेस करने पड़े, हमारा टाइम बच जाए ज़्यादा, ठीक है। मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ और उस कंपोनेंट में, बल्कि ये अभी नहीं चलेगा ना, अभी तो हमने अभी इसको स्टोर के साथ लिंक नहीं किया और स्टोर के साथ लिंक करके बाकी मामलात कंप्लीट नहीं किए इसके, तो मे बी कि हमें कोई मसले आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्टोर तो हमने कन्फिगर किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल वर्क फ्लो। बहरहाल फिर हम क्या करें, नई ऐप बना लें, क्योंकि अगर मैंने उसके साथ किया ना तो एरर आ गया ना, तो पहली दफ़ा अगर आप एरर देख के ना तो आपके जहन पे एक सवार हो जाएगा, कि एडी ओखी का ओखा शोखा कुछ नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली लेट यू फेस एरर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एक्चुअली, सॉरी, सिंपल जावास्क्रिप्ट में स्टोर कैसे सेटअप करेंगे और बाकी उसकी लिंक, हाँ हो सकता है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ना आपको, वनीला जेएस में भी स्टेट मैनेजमेंट यूज़ हो सकती है, उसमें बाकी कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा। बहरहाल एक काम करते हैं, हमारा जो पहले तो आगे तो देखते हैं ना, इसको स्टोर के साथ तो लिंक करते हैं फिर आगे चलते हैं। अब जब आपने आरटी के क्यूरी को की लॉजिक लिख ली, डाटा फेचिंग हो गई, ये दोनों चलेंगे, आई होप कन्फर्म है चलेंगे, अगर हमने कोई सेंटेक्स मिस्टेक ना की हुई, आगे चलें। अब वो कह रहा है कन्फिगर स्टोर, स्टोर में जाके क्या करना है आपको, सेटअप लिसनर्स को छोड़ें, सिर्फ ये देखें वो जो हमने वहाँ से, हमारी क्या थी, प्रोडक्ट एपीआई का वेरिएबल था, वो इसने इंपोर्ट किया और नए बनाने में भी टाइम लगेगा, मैं उस पर भी कतरा रहा हूँ। चले स्टोर चेंज कर देते हैं, पूरा का पूरा स्टोर ही चेंज कर देते हैं, सॉरी, इसी में करने लगा ना, अब जब ब्रेक होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आपने ये देख लिया कि अब तक ये जो चीज़ जा रही है वो, अच्छा ऐप में जाएं, स्टोर में जाएं, स्टोर में सबसे पहले तो आप ये करें जी कि इम्पोर्ट और प्रोड्यूसिटी प्रोडक्ट एपीआई जो हमने अभी बनाई है, ठीक है, इसको आपने स्टोर के साथ कैसे लिंक करना है, जस्ट सी द डॉक्यूमेंटेशन। वो कह रहा है जी कि ये सारी चीज़ आप उठा के कॉपी कर लें और अपने स्टोर में जो आपकी एग्जिस्टिंग लॉजिक है उसको कमेंट कर दें और ये लिख दें। अच्छा जी, यहाँ पे ये कर लें, यहाँ पे भी ये कर लें और यहाँ पे ये कर लें। अब आपके पास क्या है, प्रोडक्ट एपीआई इंस्टेड ऑफ पोकमैन एपीआई दिस, पोकमैन एपीआई दिस, पोकमैन एपीआई दिस, दैट्स इट, हमारा स्टोर लिंक हो गया। करेंगे ना इसके बाद, वो कंबाइन रिड्यूसर के बजाय हम यहाँ पे ना रिड्यूसर के अंदर ही मल्टीपल पास कर देंगे, जैसे दूसरी को एपीआई आएगी तो इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके ये और ये चेंज कर देंगे, तीसरी आएगी तो इसी चीज़ को कॉपी करके ये और ये कर देंगे, समझे बात, लेकिन जस्ट लेट अस फर्स्ट कंप्लीट वन स्टेप। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, अब हमने जाना है और पहले हम सिर्फ
सारा कुछ कर लेंगे। पहले हम रिडक्स के जाके इतनी सारी सजेशन में मैं किसको फॉलो करूँ किसको ना फॉलो करूँ, मैं सिर्फ इसको बचाना चाहता हूँ कि कहीं टूटे नहीं। हमारा स्टोर सेटअप हो गया, पहले हम सिर्फ रिडक्स की जो एक्सटेंशन है ना उसमें जाके इसका बिहेवियर देखते हैं। मतलब मुझे पता है टूट चुका है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ हम किस में देखेंगे, एक्सटेंशन में देखेंगे जाके। ठीक है, क्या कौन सा? अच्छा हाँ हाँ, आप कह रहे हैं जी कि फेच बेस क्यूर इम्पोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं सिर्फ एक्सटेंशन में, रिडक्स की जो एक्सटेंशन है ना ब्राउजर में की भी है उसमें जाके देखते हैं, बाकी ब्रेक होता तो देख लेंगे। और कोई देख लें जी, हमने और भी कुछ करना है इम्पोर्ट या नहीं करना, स्टोर में कुछ इम्पोर्ट करना है नहीं करना, कन्फिगर स्टोर ऑलरेडी था, मिडल वेयर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गेट डिफ़ॉल्ट मिडल वेयर शायद ये इम्पोर्ट करना है हमें, सो लेट्स सी गेट डिफ़ॉल्ट मिडल वेयर। अगर इम्पोर्ट नहीं किया इसने तो इसका मतलब है इसके अंदर अवेलेबल है, और उसके बाद जाके आप सिंपली यूज़ पोकमैन बाय नेम क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं, बस इतना काम ही है। ठीक है, लेट्स सी। लेट्स सी कि वेयर इज़ आर ऐप, कहाँ पे है हमारी ऐप रन हो रही है। रन इट इन द ब्राउज़र, इंस्पेक्ट इट, ठीक है। ये वी आर एक्सपेक्टिंग है, हमने जितने भी वो यूज़ सेलेक्टर के साथ किए हुए थे तो वो तो स्टोरी उड़ा दिया हमने, तो गया ना सारा यूज़ सेलेक्टर मिलकर, तो लिहाजा लेट्स गेट बैक टू दिस। तो इसने अब हमें ये चीज़ दी हुई है, तो हम यहाँ से उसको ट्रैक आउट कर सकते हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे ये जितना भी काम है ये हमने कुछ भी नहीं किया, ये सारा कुछ किसने दिया हमें? आरटीके क्वेरी ने दिए। अब आपको ये दो चीज़ें तो समझ आ गई हैं, क्यूरीज क्या है और म्यूटेशन क्या है, अगली चीज़ कोई भी समझ नहीं आपको नहीं आई, और ये जो कॉन्फ़िग है ये भी आपको समझ नहीं आएगी, और ना ही समझे तो बेहतर है, मुझे भी नहीं समझ आई। तो अब हमने क्या करना है, डेटा फेच करना है। डेटा फेच कब होगा? जब हम जो हुक यहाँ से इसने एक्सपोज की है इसको यूज़ करेंगे, या तो यूज़ गेट ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे या यूज़ गेट आईडी करेंगे, और फिर ये जो डाटा हमें देगी उसे हम क्या करते हैं, कंसोल पे लगा के देख लेते हैं। तो लेट्स डू दिस इन एनी ऑफ द कंपोनेंट, लेकिन जाहिर है किसी भी कंपोनेंट को चलाने के लिए नया बना लेते हैं एक, लेट्स सी, एक पेज का कंपोनेंट बनाते हैं और उसको कहते हैं जी products list dot JSX और RFCE और प्रोडक्ट लिस्ट में। अब आपको पता है कि हम हुक्स कैसे यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट यूज़ गेट ऑल प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट हो गया, और हुक्स कैसे कॉल करते हैं यहाँ आके। अब मुझे आप बताएं कि ये कोई पैरामीटर लेगी, कैसे पता आपको? आप खुद ही सेटअप करके आए हैं कि यूज़ गेट ऑल प्रोडक्ट कोई पैरामीटर देता, अगर यूज़ गेट प्रोडक्ट बाय आईडी करता तो फिर वो एक पैरामीटर आईडी लेता। ठीक है, सो ये आपको रिटर्न क्या क्या करेगा, बड़े मज़े की चीज़ है। चूँकि हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा है कि ये एरर हैंडलिंग भी खुद ही करता है, ये लोडिंग स्टेट मैनेजमेंट भी खुद ही करता है, और ये डेटा भी खुद ही हमें देता है। तो ये देखें, अगर हम जब इसे यूज़ करेंगे तो हमें तीन चीज़ें देगा, एक तो डेटा देगा, अगर डेटा नहीं होगा तो क्या देगा, एरर देगा, और जब ना एरर आया ना डेटा आया, डेटा स्टिल लोडिंग, तो ये हमें कौन सी स्टेट देगा, लोडिंग की स्टेट देगा। और ये बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। मेक सेंस? नाउ इफ आई कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन हेयर, और इसके शुरू में कॉन्स्ट लगा दें, तो हमने यही तरीका पढ़ा है हुक्स को यूज़ करने का। अब ज़रा हम इन तीनों चीज़ों को बारी बारी देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। हम देखते हैं जी लॉग डेटा, तो हमें कहा नजर आएगा, बाद में हम लिस्ट कर देंगे, पहले हम क्या देखते हैं कि हमें ये डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और फिर हम अगर डेटा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा,
एरर मिलेगा, और अगर एरर भी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, इज लोडिंग। तो इसकी थ्योरी में नहीं पढ़ा था आपको, आपने पढ़ा था कि ये आपको लोडिंग भी खुद ही मैनेज करके देगा, कैशिंग भी खुद ही मैनेज करेगा। यस नहीं, लोडिंग घूमने वाली नहीं, ये लोडिंग की स्टेट दे देगा कि डाटा लोड हो रहा है, लोड हो चुका है, फिनिश हो चुका है। वो स्पिनर आपने खुद लगाना है इसको चेक करके, इफ लोडिंग, यानी आप इस पे चेक लगाएंगे इफ लोडिंग तो स्पिनर वाला कंपोनेंट रिटर्न कर दें, अदरवाइज अपना नॉर्मल कंपोनेंट रिटर्न कर दें। तो ये काम हम आरटीके क्यूरी में मैनुअल करते थे, ठीक है, तो अब ये सारा काम ऑटो हो रहा है। तो अब हमें इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ रिटर्न होनी चाहिए, लेकिन वो कब रिटर्न होगी, जब हम प्रोडक्ट को राउट में शामिल करेंगे, ज़ाहिर है राउटिंग में तो लगानी है ना। तो हम ऐप डॉट जे एस एक्स में आते हैं और हम एक नया राउट बना लेते हैं और उस नए राउट को नाम देते हैं जी आरटीके प्रोडक्ट लिस्ट, सॉरी ओह सर ये यूआरएल लिख लो, अच्छा अच्छा थैंक यू, आरटीके प्रोड्यूसिटी LIST, और यहाँ पे क्या करूँगा जी प्रोड्यूसिटी प्रोडक्ट लिस्ट, खुद इम्पोर्ट भी हो गया। तो ये राउट अब हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, और जो ही मैं इस राउट को हिट करूँगा मेरा ये कंपोनेंट हिट होगा, जो ही ये कंपोनेंट हिट होगा इसके अंदर ये हुक कॉल होगी, बाकी सारा काम उस हुक के जिम्मे। और हमें देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया सारा काम, हमें ये डेटा देगा या एरर देगा या इज लोडिंग देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ना, या कुछ भी नहीं देगा। सो लेट्स सी, इस पे आएं और इस पे नहीं तो इस पे आएं, और इसने किया है जी कैनॉट डी स्ट्रक्चर यूज, ये हमारा एरर नहीं है डी, अच्छा हमने अभी वो कॉल ही नहीं की, ये है ना हमारा एंड पॉइंट, ये करें तो ये आपको कुछ ना कुछ तो देगा। डी स्ट्रक्चर डेप अमाउंट, ये भी हमारा एरर नहीं है, कैनॉट डी स्ट्रक्चर यूज सेलेक्टर, ये भी नहीं है, और कॉट बाय द फॉलोइंग, ये भी नहीं है, और हम रिडक्स पे देखते हैं तो कुछ मज़ा नहीं आया, गई नहीं है कुछ, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हुआ, ठीक है। सो हम यहाँ पे वैसे लॉक करके देखते हैं कि वैसे यहाँ तक हमारा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, कंट्रोल ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है या नहीं कॉल हो रहा, अगर ये कॉल हो रहा है तो फिर तो हेलो करके देखते हैं। तो ये कहीं हेलो आ रहा है, आपको रिफ्रेश कर रहे हैं एक दफ़ा इसको, इसका मतलब है कि ये हमारा कंपोनेंट ही नहीं रेंडर हो रहा, कंपोनेंट रेंडर होगा तो हुक कॉल होगी ना, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन, हमने राउटिंग में तो नहीं कोई मस्ती की। हाँ तो ये इसी नाम का कंपोनेंट है ना, ये देखें ये तो ठीक है, और अब हम देते हैं जी इसको, ये देखते हैं आरटीके प्रोडक्ट लिस्ट, ये आएगा स्लैश के बाद, अगर हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इशू इसमें नहीं है, सिर्फ ये कर देते हैं, यानी इस प्रोडक्ट को हिट करने की कोशिश करते हैं इस राउट को। अच्छा ये वैसे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये बीच में ये सारा कुछ ब्रेक हो रहा है, तो मे बी कि वो उस एरर की वजह से वो वहाँ तक उसे पहुँचने नहीं दे रहा, तो क्या करें। फिर एक बात तो ठीक है कि मतलब कंफर्म है कि ये मैंने ठीक किया, बिल्कुल गलत नहीं किया वो ठीक है, और ये मैंने शुभ पहले जाहिर किया था कि वी कैन ब्रेक इट, तो हाल यही है कि भाईजान छोटी सी एप्लीकेशन सेपरेट बना के वो काम करें। दूसरा हाल ये है, हाँ एक और हाल भी है कि हम ये सारे राउट्स को कर दें ख़त्म,
फॉर द टाइम बीइंग। तो इसमें अभी डेप अमाउंट तो होना नहीं चाहिए ना भाई, ये कहाँ, अच्छा ये उसमें कॉल हो रहा है नेव बार में, नेव बार तो है ना, हमने ना बेसिकली लेआउट में यूज़ हो रहा है, तो लेआउट से हटाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे राउट्स ख़त्म कर दिए, तो अब हमारी पूरी ऐप में राउट ही एक है और वो यही है, तो सिर्फ लेआउट में से अगर मैं ये ख़त्म कर दूँ जो भी स्टेट यूज़ हो रही है तो मेरा ये सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। एक तो ये है कि यहाँ से मैं ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँ, और दूसरा ये है कि नेव में ये भी ख़त्म कर दूँ, मेरे पास ये भी नहीं है अब, और ये जो है डिपार्टमेंट अमाउंट और डिपार्टमेंट वैल्यू, ये पूरा बटन ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही मेरा आज फ्रंट एंड का आखिरी दिन है तो सारा कुछ सत्यानाश करके जाते हैं ना, ताकि दोबारा इसकी तरफ ना आए हम, ठीक है। सो सब कुछ ख़त्म, अब कहीं और तो यूज़ नहीं हो रही, हाँ ये यूज़ हो रही है, तो इसको भी ख़त्म कर दें, और तो कहीं यूज़ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अब तो एरर आना नहीं चाहिए ना भाई किसी सूरत में, हम सब कुछ मुका दिया हमने, अभी भी कहीं कार्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कार्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, हाँ नेव के अंदर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेव, गो टू दिस, और यहाँ से यस, एक तो ये कार्ट है इसको ख़त्म करें, ये तो क्लास का नेम है रहने दें, और एक ये कार्ट है इसको ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें भाई, अब तो शो हो जा, या यू गॉट इट एट लीस्ट। सो अब सिंस देयर इज़ नो एरर, तो वी शुड गो टू द स्लैश, और एक ही राउट है हमारे पास इकलौता, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, और प्रोडक्ट लिस्ट में आके इसको रिवर्ट कर दें, और फिर ऐप में आके इसको उठाएं और यहाँ आके इसको डालें, ठीक है जी। सो वो कह रहे जी कि यूज़ गेट ऑल प्रोडक्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, नहीं नहीं ख़त्म तो नहीं किया कहीं से भी, अब एटलीस्ट ये है कि हमारा ये हिट हो रहा है, हिट हो रहा है, लेकिन एरर ये दे रहा है, कहाँ से ख़त्म कर दिए, ओके नहीं 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 किया ना ख़त्म, वो कह रहे हैं यूज़ गेट ऑल प्रोडक्ट्स इज़ नॉट अ फंक्शन, अगर हम यहाँ पे जाएंगे और अब यहाँ पे आएंगे, यूज़ गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो वी शुड हैव इट इन हेयर, वी शुड हैव इट इन हेयर, और यह है फीचर्स में, प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट API में, और ये है, दैट शुड नॉट बी द एरर बाय द वे, और अगर हम रिडक्स में जाएं तो रिडक्स में कोई एक्शन नहीं डिस्पैच हुआ, इसका मतलब है उसने कॉल नहीं किया, हाँ मे बी कुछ ना कुछ तो है। सो कॉन्फ़िगर स्टोर है, रिड्यूसर है, रिड्यूसर पाथ है, मिडलवेयर है, और अच्छा एक काम और है जो मैंने टूलकिट क्वेरी स्लैश RECT रिएक्ट, ठीक है। सो नाउ नहीं चला, तो क्या नहीं लगाने, तो क्या नहीं लगाने, लेट मी फिक्स दिस बैग, ओके। जो एरर हम फेस कर रहे थे वो ये था कि जब हम नॉर्मली रिडक्स जो है वो हमें हुक्स एक्सपोज करती है तो वो दो कीवर्ड साथ लगाने पड़ते हैं, एक शुरू में यूज़ और एंड पे क्यूरी या म्यूटेशन, डिपेंड करता है कि आपने क्यूरी इंप्लीमेंट की या म्यूटेशन इंप्लीमेंट की। सो दैट्स माई बैड, आई एम रियली सॉरी फॉर वेस्टिंग दिस मच टाइम,
क्यूरी, ठीक है सर। अब आप इसको कंट्रोल एस करके सेव करें, कंट्रोल कॉपी करें और वापस इधर आ जाएं, और फिर ऑब्वियसली इसको भी ये करें और इसको भी ये करें। अब ये एरर दोबारा आपको नहीं आएगा कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, ठोकर खा चुके हैं, आना भी नहीं चाहिए। अब हम अगर वापस जाएं एंड ये करें तो वी शुड गेट समथिंग इन द कंसोल, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट कोई एरर नहीं आया और कंसोल में हमें तीनों में से कोई एक चीज़ आनी चाहिए। क्या आया जी हमारे पास, सबसे आखिर में देख लेते हैं। फॉल्स का मतलब इज लोडिंग फॉल्स हुआ, यहाँ कहीं इज लोडिंग ट्रू भी था, यानी किसी खास स्टेज तक इज लोडिंग ट्रू भी रहा, और जब इज लोडिंग ट्रू था तो अरे क्या थी, अनडिफाइंड थी। आप ये समझ रहे हैं ना कि जब इज लोडिंग ट्रू हो तो इसका मतलब अभी डेटा आ रहा है, अरे उस वक्त क्या थी, तो ये आप कंडीशन लगा के देख सकते हो। जब सब कुछ हो गया तो ये फॉल्स है और अनडिफाइंड है, और बीच में डेटा आपका आ गया, सो वी हैव एक्चुअली गॉटन द डेटा ऑलमोस्ट। अब आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे जाके कि इफ इज लोडिंग तो क्या करें, मैं जस्ट क्विकली कर रहा हूँ, रिटर्न ये वाला JSX कर दे, रिटर्न H1 और ये कर दे जी LOADI, यहाँ आप अपना स्पिनर शो कर देंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर एरर हो सकता है, तो फिर ये चेक कर लेंगे इफ एरर। और आप ये याद रखिएगा कि जब भी एरर आता है तो जावा ये एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट करता है, तो वी शुड हैव समथिंग लाइक, फिर आप क्या कर लें, रिटर्न कर लें और रिटर्न में H1 में ही एरर दे दें, और इसके अंदर आके आप लिख दें जी क्या, एरर डॉट मैसेज। आपको क्या पता सेट करता है ना, जब भी कोई जावास्क्रिप्ट आपको एरर ऑब्जेक्ट थ्रो करे ना, जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली, आप ऑब्जेक्ट ना बनाएं, तो उसमें लाजमन मैक्सिमम चांसेस है कि उसमें वो क्या प्रॉपर्टी सेट करेगा, एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, एरर देगा, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो सेट करेगा। और अगर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है, तो फिर क्या करे, डेटा डॉट मैप, सॉरी मैप, और ईच आइटम निकाले बीच में से, और मैं फिलहाल सिर्फ क्या शो करने लगा हूँ, एक उसका उसका एक 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 प्रॉपर्टी शो करने लगा हूँ, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, ताकि हम आइटम डॉट टाइटल था ना, ठीक है जी, सो दैट्स इट। एक मिनट, ये सारे के सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई। अब अगर मैं इसको वापस इधर जाऊं और दोबारा इधर आऊं, किधर है प्रोडक्ट्स, अच्छा वो प्रोडक्ट्स का राउट हमने कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैनुअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम दोबारा यहां पे आते हैं, इसको सॉरी यहां पे आते हैं और इसको देते हैं और इसको एंटर करते हैं, ये आगे फॉरवर्ड। अभी इतना तेज़ आया क्योंकि पहली दफ़ा लोड हो चुका था, दोबारा आपने इसे कहाँ से किया होगा, कैशे से लोड किया होगा, तो अब अगर मैं दोबारा कैशे पर क्लियर करके दोबारा बोलूँगा तो वो फिर थोड़ा सा टाइम, यानी लोडिंग स्टेट शो करेगा, तो नॉर्मली लोडिंग स्टेट शो नहीं करेगा। जी आप सवाल पूछें, बाय द वे एक मिनट मुझे इसको फिनिश अप करने दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हमने रिडक्स टूल किट क्यूरी का एक कम्प्लीट साइकिल पढ़ ली है, हमने स्टोर सेटअप कैसे करना है, हमने जाके RTK query the most modern and up to date way of fetching the data from the server. अगर आप चाहें मैं नहीं चाहूँगा कि हम इसके पूरे कर लें स्टेप म्यूटेशन और क्यूरी वाले, तो मैं कल वो कर सकता हूँ, फिर कल का एडिशनल टाइम लग जाएगा। और अगर आप ना चाहें तो ये मैं GitHub की रेपो अपनी मेरी जो पिछले बैच को कराई हुई है ये शेयर कर देता हूँ, इसमें पूरी क्रड ऑपरेशन परफॉर्म हुए हुए, अगर चाहेंगे तो यहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये रेपो शेयर, इसमें सिर्फ लॉजिक क्या है, अब देखें जहाँ से आप गेट टू डू बाई ID करते हैं तो एक ID को बतौर पैरामीटर लेंगे, तो जहाँ से इस हुक को कॉल करेंगे उस हुक में क्या पास कर देंगे, आप डायनेमिकली ID पास कर देंगे। इसमें ये फुल फ्लेज वर्किंग टू डू ऐप है, अगर ज़्यादा औखा आ रहा है तो इसको क्लोन करें अपने सिस्टम में, इसे NPM इंस्टॉल करें और इसे रन करें, ये आपको सारा कुछ वर्किंग में देगा। अगर मुझे कहेंगे तो आई एक्सप्लेन इट टुमारो,
कि जी कैसे? अच्छा 5 मिनट में हो जाएगा अगर देख के ही करना है तो अगर ज़ुबानी इम्प्लीमेंट करना है तो ज़ुबानी समटाइम हम एरर्स में स्टक हो सकते हैं।